तो जी सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी सुरक्षित हैं, चढ़ती कला में रहें, यही कामना और दुआ हमेशा से प्रभु श्री राम जी से और बालाजी महाराज जी से करता हूं। तो आज बहुत अच्छा दिन है और काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बना रहा हूं। आगे राजनीति का भी बिगुल बज चुका है, तो फिर भी हमें कीमती समय निकाल कर आप सबके लिए व्लॉग बनाता रहूँगा। कुरियर वाले भाई जो साहब, ये कौन सी कंपनी का है आपका? बाबी का पार्सल है। सोनम का? सोनम का पार्सल, ये क्या है भाई? सोनम तो चंडीगढ़ है। मैं पूछता हूँ फोन करके, अभी कुछ ना कुछ मंगाती रहती है, मुझे कहती है पैसे नहीं है। जैसे 1223 का बिल कौन भरेगा? क्या जी, रुकी तो है नहीं यहाँ। एक बात नोट करी हमने इसकी, भगवान का समझियो ना, कमरे में बैठ कर नहीं पढ़ता। नहीं स्नान नहीं, नहीं तो देखो धूप में बैठा का छत पर चढ़ जाएगा वो भाई। हेलो, जुलूस लिख रहे भाई, बाढ़ देख बाढ़। ओ भाई, वो लोग की बात नहीं हो रही, मैं सह नहीं रहा किसी ने, बाढ़ तो देख ले भाई। छज्जा बन गया रहा है, अमरीशपुरी रहे। देखियो जी, डॉक्टर बनने ने कहा पर ना लक्षण लग रहे, मैं सच बता रहे थे डॉक्टर के। तो जोर लग गया नहीं लग गया जोर, मासी सत्संग में जा रही है, बड़ी बहू घर जा रही। अच्छा, वो मम्मी तो नहीं कहा तने बहुत काम करया, मने नहीं पता कौन से सन में, कौन से साल की, कौन से सन की बात है। मम्मी बोलो कुछ। भाई मैंने बहुत काम करे, मैंने कौन से सन में काम करे पता नहीं, याद ही नहीं है। छोटी सी रसे की सब्जी, कहाँ रसे की सब्जी मम्मी? ओ मम्मी ने रसे की सब्जी बनाई, मम्मी ने एक रेसिपी बनाई जी रसे की, देखियो जी आप। ना ना खोलो खोलो, टेबल पर टेबल पर। हाँ मम्मी ने, मतलब मम्मी ने 15 दिन लगे इसमें बनाने में, मम्मी ने रसे, ये देख रसे, ये रसे हैं जी। अरे रसे नू करियो जी, चाशनी उबालनी है आपने, पूरी खद्दा लाना और एक सूजी का रस, आटे का नहीं चलने का जी, सूजी का रस उसमें गिर दो। चाशनी के अंदर क्या होना चाहिए, शहद चीनी, डब्बा होना चाहिए बिल्कुल एयर टाइट, पूरा मतलब बंद होना चाहिए ढक्कन, और नारियल कद्दूकस करके अपना, अरे पीला रंग आया जी, थोड़ा हल्दी चाहिए, देख रसे यहाँ पड़े रसे, और बीकानेर का डब्बा पै दो, अर बन गई जी बात। अक नहीं जी, बहुत बढ़िया रेसिपी है। हाँ केसर तो है मम्मी, वही तो मैं कह रहा केसर, यह मम्मी पहली बार जिंदगी में कोई अच्छी चीज बनाई थी हमने, सही कह रहे कसम तो। रसे का क्या गया, 50 रुपए का रसे का पैकेट, 20 रुपए का ऊपर, पर 15 दिन का मतलब वेट करनी पड़ा जी, ऑर्डर ही करी चले गए हैं। नारियल एंड मगी रसम तो, नारियल एंड मगी, ये पछाणियो जी कौन है? मनजीत भारद्वाज का राम राम। तो दोस्तों आज आपकी मुलाकात हो रही है हरियाणा के लिए, बल्कि पूरे भारत की मोस्ट पॉपुलर एक्टर उषा शर्मा जी था, जिसकी फिल्म चंद्रावर में सन 1984 में बॉक्स ऑफिस पर अपनी पूरी धूम मचाई थी, लोगों की भीड़ इतनी लगी थी कि फिल्म देखने खातर करे 2 दिन कदे 3 दिन वेट करना पड़ा था, जिसके गाने भी सुपरहिट रहे थे। तो भाई आज आपकी मुलाकात होगी उषा शर्मा जी का, तो उषा शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं सूरज तू चंद्रावर मारा जोड़ा ठाट का, तो जंगल की मोरनी मैं छोरा जाट का, थोड़ी आगे काटिए मम्मी, पीछा कर दो थोड़ा, ए पीछा कर दो, ए ए और पीछा करो मम्मी, और पीछा, पूरा पीछा ले जाओ, उसने पीछा कह रहा है, मैं अग्गा ले दे रहे मम्मी यार, मम्मी पीछा करो अग्गा, ये देखो जी, यह थी उषा शर्मा, अरे देखिए बूढ़ी कैसी होगी, ए प्रभु भाई, वाकई में उम्र नहीं रुक जी। माँ आ गया सत्संग से, आ गई माँ, नहीं सत्संग में तो गई होंगी माता, सरसावा क्या रहा वहाँ, कोई नाम दाम कुछ बाबा ने बोले हो माँ? कोई मेरा पोता ले गया था, पोता ले गया था, हाँ और अभी रोकी ले गया था, मैंने सत्संग माँ नु बोल सेवादार होना, क्या क्या सेवा करी माता? अब बताओ क्या रोटी खाई थी वहाँ? नहीं सुन, हाँ टोपी दी थी, एक तो सेवादार होना टोपी, एक घर मार खाया था, एक एक या ले ले मबुतरी थी, रोटी खाई थी ना और फ्रूटी,
तने भीड़ दिखी थी वहाँ और बहुत सारी चीजें तने भीड़ दिखी थी वहाँ भीड़ हैं कौन कॉपीराइट आ जाएगा गाने चलावाने ने कॉपीराइट आ जा रोकी भैया के साथ खेल हैं ओ यहाँ जा भाई यहाँ हो भाई ये तो वो है ना जो सिम्बा से डरता है और तू इधर आ भाई ए भाई इधर आ जा आपको डर लगता है सिम्बा से ये आपका नाम क्या है नवी आइटम गर्दन घुमा के इधर मुंह कर नवी आइटम अभितेश जा जल्दी जा सिम्बा दिखता नहीं ने दिखा तो कम दिखा इन्हें सिम्बा आया आ जा भाई चलो भाई बबल एस वीडियो बनाने के हो जाएगा काम इतने मन यू कहोगे भाई क्या इतने मन ले 1,00,000 रुपये आ जाएगा खाते में बस इतने बनाने में 1,00,000 रुपये बस वही तो मैं कह रहा तो ही तुम बनाए जाओ एक कर आपने कहो भाई क्या चल रहा है काम सरसावा था जी नहीं 600 किलो में है बाबा 600 किलो में बने सरसावा सत्संग भवन 600-300 पता नहीं अच्छा जी ये वहाँ पिकनिक मनाने जा लो सस्ता सामान मिला 50 रुपये में छक जा तो रात 1200 की कह रहा था अरे 400 किलो है मैं पूरे और ज्यादा 300 में 600 400 ऐ तो बाबे गए होते 600 300 ना ना ठीक है जनता के भी यहाँ बीच में पड़ी जमीन सिम्बा ये नड़ाया था जी 1500 रुपये लेके थे परसों और आज फिर ऐसा बन गया बूदम ओए सिम्बा ले देखो जी कितना प्यारा बनकर आया था और फिर उखरी हो गया जी क्या है ना अभी तो ना कुर्सी पर बता कौन बैठे करा तुम्हारे को सिर्फ दिख रहा है ना बिल्कुल दिख रहा है नहीं दिख रहा भाई दिखांदा होता हूं दिख जाएगा बढ़िया है तो कोई दिक्कत नहीं है इसकी सोचा लगा हुआ अपन को बहुत प्यार तो खान चौक का फायदे के तो पता क्या था चुप चुप बोल मम्मी बहुत नहीं हूं पहली ये खान चौक का फायदे फिर पानी पड़ा सेवा तो माता पानी नहीं पड़ती सुन तो देखे वो खान चौक का भाई अपन वो पाते मैंने कह फिर और थोड़ा सा का क्यों है करा सही बात है एक साल में पड़े हम तो पर हम तो पान तो गए थे तर बहुत अच्छी बात करी बाबा का मैंने कौन दिले टे पान तो पहले हां बहुत बढ़िया बड़ा सोना कह यार बहुत बड़ा बढ़िया बढ़िया कह दिया हां है मां बढ़िया कह दिया सेवा पाई नु पूछ रे मां राधा स्वामी राधा स्वामी ये तो पूछ रहे भाई वहाँ क्या क्या देखे माँ घूमे फिरे क्या देखे दर्शन दिए अरे एक लोग तो जी दोस्तों थोड़ी बहुत ही चर्चा राजनीति पर भी होनी चाहिए आप जरूर कमेंट करके बताइयो भाई आपके वहाँ क्या माहौल है किसकी सरकार आवागी कौन MLA बनागा आप BJP को सपोर्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो कांग्रेस क्या कहती है NLO क्या कहती है JJP क्या कहती है जरूर बताइयो जी टाइम बहुत कम रह गया तो अगले महीने लोकसभा के चुनाव हैं डेट फाइनल नहीं हुई है तो जो सूत्र बता रहे हैं कि सारी की सारी सीटें कौन जीत रहा है वो आपने बताना है ना अपने को तो पता है तो आप जरूर बताइयो जी आपके वहाँ क्या माहौल है और किसका क्या होगा कौन बैठा गा रेल मर कौन जाएगा जेल मर जरूर बताइयो जी है ना सिम्बा चल 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 सिम्बा चल ये सिम्बा का टॉयलेट है जी इतना बड़ा ही लगा लो आप कहीं जानता भी नहीं करना सिम्बा ये सारी कंस्ट्रक्शन चल रही थी
जेसीबी खड़ी टावर की। किम्बा वो कम मेरे ख्याल से दूसरी बार आए हैं घर हो ना डैडी, कई बार आई है। अभी देखो क्या कर रहा और अभी नान लेंदा नान ले ले अंकल तो खाओगा नान हैं खावा तो कोई नान तो रोटी ना पड़े मैदा मैदा भी हो जाएगा। नहीं 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 सभी को गुड नाइट सत श्री अकाल आदाब और सोते हैं जी। आज का दिन बहुत बिजी था और कमेंट जरूर करना आपके एरिया से कौन जीत रहा है। जय हिंद जय बालाजी।